देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके का सिंपल सा इजी जो है बेबी बूटी कैसे बना पाएंगे। ये जो है हमने 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की बेबी गर्ल के लिए बना के तैयार किया है। काफ़ी सुंदर बनता है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरीके से बनाएंगे। दोनों बूटीज़ जो है सेम वे से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिएगा, मैंने फंदे डाल दिए हैं सिलाई में। टोटल मैंने यहाँ पर 48 स्टिचेस डाले हुए हैं, जिसमें मैंने 2 सिलाइयाँ कर दी हैं सीधी सीधी दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी मैंने सीधी सीधी सिलाई कर दी है। अब हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। 48 स्टिचेस डाले हुए हैं 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए, ये जो हम बना के तैयार कर रहे हैं। पहला फंदा आप उतारेंगे, राइट सिलाई में है, इस तरीके से एक फंदा डाल देंगे। इसके बाद ये आपका फंदा इंक्रीज़ हो गया, हमारे पास 48 स्टिचेस हैं, जिसमें एक फंदा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 47 स्टिचेस बचे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 23 और 23 हो गए 46, ये वाला हो गया 47 और लास्ट में एक हो गया 48। तो यहाँ पे एक फंदे के बाद फंदा इंक्रीज़ किया, अब हम यहाँ पे 23 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, आप चाहें तो इस तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं, या यहाँ से इस तरीके से आप जो है देखिएगा, यहाँ पे ये उठाया मैंने, इसका एक फंदा बढ़ा दिया 23 के बाद। अब एक फंदा आप इस तरीके से डाल दीजिए, 23 के बाद आपने 2 फंदे बढ़ा दिए। अब आपने 23 स्टिचेस दोबारा से सीधे बनाने हैं। देखिएगा, यहाँ पे 23 स्टिचेस मैंने बना लिया। अब इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से आपने फंदा बढ़ाना है, एक फंदा सीधा बना दिया। तो इस रो में टोटल हमारे 4 फंदे इंक्रीज हुए, एक यहाँ पे एक बनाने के बाद, और उसके बाद 23 स्टिचेस बनाने के बाद 2, और यहाँ पे एक फंदा, तो टोटल 4 इंक्रीज हो गए। रो थर्ड थी हमारी, अब 4th रो में जाएंगे। ये सिलाई हम पूरी सीधी सीधी करेंगे, इसे आपने कोई भी बढ़ाना या घटाना नहीं है, इसे सीधा सीधा बना लीजिए। देखिए, यहाँ पे रॉन्ग सिलाई हमने दे दी है, दोबारा से राइट सिलाई में आए हैं, ये वाला फंदा उतार लीजिए। उसके बाद जो आपने इंक्रीज़ किया था उसे भी सीधा बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप एक और फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपने इंक्रीज़ करना है, जो इंक्रीज़ किया होगा लास्ट सिलाई में उसे आपने बना लेना है, उसके बाद अगले फंदे पे आपने इंक्रीज़ करना है। जैसे यहाँ पे दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमने इसके पहले फंदे के बाद में इंक्रीज़ किया। नेक्स्ट सिलाई में हमारा तीसरा फंदा इंक्रीज़ होगा, पहले हम ये वाला तो हमने उतार देना है, उसके बाद ये 2 बनाने हैं, फिर वो वाला डालना है। फिर चौथा फंदा जब इंक्रीज़ होगा तो ये जो होंगे 3 होंगे इंक्रीज़ किए हुए, तो चौथा फिर डालना है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी इंक्रीज़ करेंगे उसे आप सीधा बनाएंगे, उसके बाद ही अगला फंदा इंक्रीज़ करेंगे, ताकि आपका यहाँ पे जो है आपको आसानी हो जाए कि आपने 23 ही स्टिचेस बनाने हैं। अगर आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे इसके बाद, तो आपको क्या होगा, आपके फंदे इस साइड इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो चलिए, उसके बाद आपने 23 स्टिचेस दोबारा से बना देने हैं, और सेंटर में आपने 2 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। देखिएगा कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। 23 के बाद एग्जैक्ट आपने यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ करना है।
फिर यहाँ पे जो लास्ट में दो फंदे बनाए थे उन्हें सीधा बना लीजिए जो इंक्रीज़ किए थे आपने लास्ट रो में। उसके बाद यहाँ पे एक और फंदा इंक्रीज़ करेंगे। फिर दोबारा से इससे क्या होगा आपका कि आपको याद रहेगा यहाँ पे आपने 23 स्टिचेस बनाने हैं। फिर आप 23 स्टिचेस बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 23 स्टिचेस मैंने बना लिए, यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज़ करूँगी। फिर ये लास्ट वाला इंक्रीज़ किया हुआ फंदा था और ये हमारा ऐसे ही फंदा है। रॉन्ग सिलाई अब मेरी सारी सीधी जाएगी। अब इसी तरीके से मैंने और दो बारी इंक्रीज़ करना है। दो बारी मैंने कर लिए तो मेरे पास 8 फंदे इंक्रीज़ हो गए। इसी तरीके से मैंने और 8 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, जिसके लिए मैंने ये वाली रो तो बना दूंगी मैं सीधी सीधी। इसके बाद 4 रोज और बनानी है जिनमें राइट साइड में 2 मैंने इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फंदा तो आप बनाएंगे ही, अभी हमारे 2 हो गए तो 2 के बाद यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी। 23 बनाऊँगी तो यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी। फिर 4 फंदे सेंटर के इंक्रीज़ हुए हैं उन्हें सीधा बनाऊँगी, 4 के बाद इंक्रीज़ करूँगी। फिर 23 रहेंगे उसके बाद मैं इंक्रीज़ करूँगी। इसी तरीके से आप इसे कर लीजिए जब तक आपके पास 16 स्टिचेस इंक्रीज़ ना हो जाए। 48 हैं आपके पास, 64 स्टिचेस आ जाने चाहिए। 64 स्टिचेस आने के बाद 4 सिलाइयाँ आपने दोबारा से सीधी सीधी करनी है जिसमें आप कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे 64 स्टिचेस जब आपके हो जाएँ फिर 4 सिलाइयाँ और कर लीजिए सीधी सीधी, फिर इंक्रीज़ नहीं करेंगे। उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो है 4 सिलाइयों में पहली सिलाइयाँ 2 तो मैंने सीधी सीधी की थी, उसके बाद नेक्स्ट सिलाई में सीधी सिलाई में मैंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक फंदा 23 बनाने के बाद यहाँ पे 2, फिर 23 बनाने के बाद यहाँ पे 1, वैसे ही 4 सिलाइयों में मैंने इंक्रीज़ किया है। टोटल मेरे पास 16 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं। चढ़ाए मैंने 48 स्टिचेस थे, टोटल मेरे पास अब 64 आ गए। ये वाली रो तो मेरी ऐसे ही बनी थी, उसके बाद 1, 2, 3, 4 में मैंने इंक्रीज़ किया और 4 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी सीधी कर ली। टोटल यहाँ पे मेरी जो है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 64 स्टिचेस है जिसमें हम यहाँ पे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 22, सेंटर में हमारे 20 और यहाँ पे 22, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे 64 स्टिचेस। पहले जो है यहाँ पे 22 स्टिचेस मैं सीधे सीधे बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 22 स्टिचेस सीधे बना लिए। उसके बाद जो यहाँ के मेरे 20 स्टिचेस हैं इन्हें भी मैं सीधा ही बना दूंगी और ये वाले 22 स्टिचेस भी सीधे बना दूंगी। रॉन्ग साइड से ये जो 20 स्टिचेस हैं, 22 स्टिचेस हैं, इन्हें मैंने सीधा बनाना है। सेंटर के 20 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाने हैं और ये वाले 22 मैंने सीधे बनाने हैं रॉन्ग साइड से भी। तो ये वाली सिलाई सारी सीधी सीधी जाएगी, रॉन्ग साइड से 22 स्टिचेस सीधे, फिर 20 उल्टे और 22 सीधे। अगली सिलाई में क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे राइट सिलाई में आई हूँ, ये वाले 22 स्टिचेस फर्स्ट पार्ट के मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब जो सेंटर के हमने 20 स्टिचेस रखे हैं उनके साथ क्या करना है, देखिएगा फर्स्ट स्टिच इस तरीके से टर्न ओवर कर लेंगे और यहाँ पे ये 2 स्टिचेस का 1 कर लेंगे। इसके बाद आपने जब तक आपके पास 2 फंदे ना रह जाए इन 20 स्टिचेस में सीधा सीधा बना लीजिए इस तरीके से। देखिएगा 2 फंदे हमारे पास रह गए इधर पे। अब इस तरीके से यहाँ से ऐसे 2 का 1 करना है। बाकी ये वाले 22 स्टिचेस और ये वाले 22 स्टिचेस आगे से भी सीधे और बैक से भी सीधे बनाने हैं। ये वाले स्टिचेस अब 2 हमारे पास कम हो गए, अब 18 बचे, इन्हें सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाना है। इसी तरीके से जब भी आप राइट सिलाई में आएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, और यहाँ पे भी 2 का 1 कर लेंगे जब तक आपके पास इधर पे 4 फंदे ना रह जाएं।
तब तक आप इसे इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से 22 स्टिचेस दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाइए और यहाँ से भी 22 स्टिच सीधे सीधे बनाइए। जो हमने सेंटर का पार्ट डिवाइड किया था उसमें राइट सिलाई में यहाँ पे डिक्रीज करना है 2 का 1 करके, और यहाँ पे सीधी तरफ से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बना लीजिए। 4 फंदे आपके पास यहाँ पे रहने चाहिए, बाकी ये 22 22 सेम ही रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो फंदे हम डिक्रीज कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 का 1 यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कहा था 4 फंदे आपके पास रहने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 4 फंदे रहे। इसके बाद हम रॉन्ग सिलाई में चल रहे हैं। इसकी ये वाले 22 स्टिचेस मैंने सीधे बना लिए रॉन्ग साइड से। अब ये जो 4 फंदे हैं इसमें हर एक सिलाई में हम राइट सिलाई में इन्हें जो है डिक्रीज कर रहे थे, बट इसमें आप क्या करेंगे, रॉन्ग साइड से ये 2 का 1 कर लीजिए और ये 2 का 1 कर लीजिए। अब आप ये वाले 22 स्टिचेस पहले सीधे बना लीजिए। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22 स्टिचेस हैं, टोटल हो गए 44 और ये 2 स्टिचेस हो गए हमारे, टोटल मिला के 40 यहाँ पे 6 स्टिचेस हैं। अब 46 स्टिचेस में हमें 6 स्टिचेस जो है वो काम करने हैं, हमारे पास 40 स्टिचेस रहने चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये वाला फंदा उतारा, धागा पीछे किया, 2 का 1 कर लिया, फिर 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 का 1 कर देंगे, फिर 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से इस रो में 6 फंदे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 का 1। फिर दोबारा से ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर दूंगी। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे, देखिएगा पेयर्स में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पेयर है, यानी कि एक पेयर में 2 होते हैं, तो हमारे पास 40 स्टिचेस आ गए, टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है 8 सिलाइयों का। कैसे, एक फंदा उल्टा ये सीधा, धागा पीछे घुमा के उल्टा, धागा ऐसे ले जाके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा एक सीधा। इसी तरीके से मैं 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के तैयार कर दूंगी। देखिए यहाँ पे बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर दी है, ये राइट सिलाई है हमारी। रॉन्ग सिलाई में हम आएंगे इस तरीके से, यहाँ से हमने फ्रिल वर्क करना है। जो इस तरीके का यहाँ पे फ्रिल बना हुआ है ये हमने अब बनाना है। इसके हमने, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये फंदा आपने उतारा, धागा पीछे घुमाया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, 1 सीधा, धागा आगे लाके जारी डाल दी, 1 सीधा, 2 फंदों का आपने यहाँ पे इंक्रीज करना है सेंटर में, 2 उल्टे बनाने हैं। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके, ध्यान दीजिएगा ये आपने रॉन्ग साइड में डालना है, सीधा जाली डाल दी, 1 सीधा। दोबारा से पैटर्न को रिपीट करेंगे, 2 उल्टा, धागा पीछे करके, 1 सीधा, आगे ले आएंगे, जाली डाल दी, 1 सीधा। इसी तरीके से आप ये वाली रो कंप्लीट कर दीजिए, जिसमें 2 फंदे उल्टे आएंगे, पीछे करके धागा, 1 सीधा, जाली डाल देंगे और 1 सीधा। इसकी सेकंड रो में आए हैं, जो हमारी राइट साइड में है, ये वाला फंदा तो आप उल्टा ही उतार लीजिए, धागा पीछे करके। जो आपने यहाँ पे उल्टे बनाए हुए हैं ये फंदे, इन्हें आप इस रो में सीधा बनाएंगे और धागा अपनी साइड ले आएंगे। ये 3 फंदे जिनमें आपने जाली डाली थी, ये और जो जाली डाली है उसे भी उल्टा और इसको भी उल्टा, यही ध्यान रखना है आपने। इसकी सेकंड रो में आपने ये 2 तो आपके सीधे जाएंगे, जो इस साइड उल्टे बनाए थे, धागा पीछे कर लेंगे और ये 3 उल्टे, धागा पीछे करके, ये 2 सीधे और ये 3 उल्टे। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। देखिएगा इसकी नेक्स्ट रो में आए हैं, पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए, उसके बाद धागा आगे घुमा के, 2 फंदे आपके उल्टे जाएंगे,
धागा पीछे करेंगे, पहले यहाँ पे दो थे अब तीन हो गए। तो अब देखिएगा ये वाला फंदा आप बनाएंगे, इसके साथ में ही जाली डालेंगे, जो आपने पहले जाली डाली थी वो इंक्रीज़ हुआ, उसे आप इस साइड रखेंगे। तो ये दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे ले आएंगे, दो फंदे उल्टे पीछे करके एक सीधा, फिर जाली डाल देंगे और दो सीधे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे चार जालियाँ डालनी है, ये दो हमने डाल दी, दो हम और डालेंगे। यहाँ पे दो थे, दो से छः फंदे हमारे बन जाएंगे। तो आप इसे इसी तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये हमने यहाँ पे चार बारी जाली डाली है, फिर इसे क्लोज़ कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रिल वर्क जो है इसका कंप्लीट कर दिया है, इसके बाद अब आप इसकी स्टिचिंग करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखिएगा पहले यहाँ पे, पहले आप इसका सीधा साइड इस तरीके से राइट साइड से जो है आपने स्टिचिंग करनी है। थोड़ी सी मैं दिखा लेती हूँ कैसे, देखिएगा थोड़ा सा पार्ट आपने राइट साइड से सीना है, इस तरीके से कर लीजिए, उसके बाद ऐसे, देखिएगा इसी तरीके से आपने थोड़ा सा जो है राइट पार्ट से जो है आपने स्टिच करना है। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसे स्टिच कर देना है यहाँ तक जहाँ से आपने बॉर्डर इसका बनाया था। देखिए यहाँ तक स्टिच कर लिया है, अब टर्न कर लीजिए इस तरीके से। अब जो है रॉन्ग साइड में चले गए हम। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, जैसे हम नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है, ऐसे टर्न ओवर कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके का जो है बेबी बूटी बनके तैयार हो गया है। अब इसे इस तरीके से जो फ्रिल है हमारा, इसे इस तरीके से आप टर्न ओवर कर लीजिए। ये हमने 6 मंथ to 1 ईयर बेबी के लिए बना के तैयार किया है, बिल्कुल परफेक्टली इसे आराम से जो है आ जाएगा। अब अगर आपके यहाँ पे लग रहा है कि ये थोड़ा ढीला है, इसके लिए आप सिंपल डोरी बना लीजिए, क्रोशिया से बना लीजिए या किसी और से बना लीजिए, वो आप यहाँ से जो है डाल देंगे। अगर लग रहा है फिट है तो इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। तो देखिएगा इस तरीके से जो है बेहद खूबसूरत जो है बूटी बन के तैयार हो गए आपके। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, ईजी से बन जाते हैं, बिगनर्स भी इसे जो है ईजिली बना पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा इसमें हमने डोरी लगाई हुई है इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल मैंने धागे की डोरी इसमें डाली है। इसी तरीके से आप जो है उसमें भी डाल सकते हैं, काफ़ी सुंदर बन के तैयार होते हैं। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।